नमस्कार, मैं हूं पंडित दीपक दुबे, आपका ज्योतिषी, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे आपसे शनि के साढ़े साथी के बारे में कि 2014 में अलग अलग राशियों पर शनि के साढ़े साथी का क्या होगा प्रभाव और कैसा बीतेगा उनका वर्ष। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छी बात यह है कि नवंबर में जब शनि का गोचर बदलेगा तो कन्या राशि वाले शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और जाते जाते शनि बहुत कुछ दे जाएंगे। जो भी आपने स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, नौकरी संबंधी समस्याओं को अब तक झेला है वो सभी चीजें आपके लिए अब इस समय बेहतर होंगी और शनि जितना कुछ ले गए हैं आपसे सब कुछ ब्याज के साथ देने में सक्षम होंगे आपके राशि के लिए। तुला राशि की अगर बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए शनि का गोचर परिवर्तन जो नवंबर में होगा जब वो वृश्चिक राशि में जाएंगे तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि का अंतिम ढैया जो है वो प्रारंभ होगी, साढ़े साथी का अंतिम दौर प्रारंभ होगा। सबसे बेहतर बात यह है कि तुला राशि वालों के लिए सबसे शुभ समय आएगा। हर प्रकार से धन के मामले में बेहतर समय होगा, कर्म क्षेत्र के मामले में बेहतर समय होगा। अगर आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भी आपको बहुत मान सम्मान और सामाजिक दृष्टि से उत्थान मिलेगा। परिवार में जो आपकी परेशानियां चल रही थी उससे भी आपको इस समय निजात मिलेगा। जीवन साथी संबंधी भी अगर यदि आपकी कोई समस्या जो पीछे चल रही थी, भाई बंधुओं से समस्या, उसमें भी आपको बहुत राहत देंगे शनि इस अंतिम दौर में। और धन के मामले में बहुत ही बेहतर समय जाने की संभावना रहेगी आपके लिए। लेकिन इसमें एक चीज अवश्य है कि यदि आप कर्मों के शनि देवता हैं, अगर कोई कर्मों पे आपने किसी प्रकार का पीछे समझौता किया है तो इस फल में कमी समझिएगा। आगे की बात करता हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातक स्वभावतः थोड़ा अहंकार होता है इनके अंदर, कहीं न कहीं लोगों को दबाने और कुचलने की क्षमता होती है और शनि का मध्य भाग में आना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ सूचक नहीं है किसी भी प्रकार से। तो आपको अपने रहन सहन और कर्मों में परिवर्तन करना पड़ेगा, विचारों में सेवा भाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शनि का मध्य दौर आएगा आपके राशि के ऊपर ये प्रभाव डालेगा, आपके आर्थिक समस्याओं को बढ़ाएगा, धन की कमी करेगा, कर्ज लेने की स्थिति बनाएगा, कहीं अपमान की स्थिति आपकी हो सकती है यदि आप सामाजिक जीवन में हैं तो। साथ ही परिवार के मामले में भी मनमुटाव बढ़ेगा आपके और परिवार के लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर वृश्चिक राशि के जातक पहले से सतर्क हैं, अपने अहंकार को दबाए हुए हैं और कर्म क्षेत्र में अच्छा किए हुए हैं तो इसका प्रभाव कम होगा, अन्यथा ये और बढ़ जाएगा। तो आपको बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है और इस समय को बहुत ही आसानी से धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको निकालना पड़ेगा। अगली राशि जो है धनु राशि, इन राशि वालों के लिए शनि का गोचर परिवर्तन साढ़े साथी का शुरुआत करेगा और ये राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए जैसे ही शनि का नवंबर में गोचर का परिवर्तन होगा, वृश्चिक राशि पर वो आएंगे, आपकी राशि के लिए शनि का प्रथम दौर शुरू होगा और शनि का प्रथम दौर मस्तिष्क से शुरू होगा। यहां पर क्या होगा कि आपके मतिभ्रम की स्थिति आपके लिए पैदा होगी, आप निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कमजोर होगी, आलस्य और प्रमाद बढ़ेगा आपके लिए और कार्य क्षेत्र में शिथिलता होगी, कई बार बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे और इसके कारण आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार से वैमनस्यता शुरू हो जाएगी। जीवन साथी के साथ भी अगर मैं कहूं तो आपका थोड़ा अनबन जो है वो चलने लगेगा, भाई बंधुओं से भी विवाद होगा और इस सब के कारण होंगे आप, क्योंकि आप में निर्णय लेने की क्षमता इस समय कम हो जाएगी और वाणी आपकी कड़वी हो जाएगी। तो बताया इसलिए जाता है पहले कि आप इस चीज़ की सावधानी बरतें क्योंकि ये परिवर्तन नवंबर में आने वाला है। अगर अभी से आप अपनी वाणी में सुधार रखेंगे, अपने ऊपर धैर्य रखेंगे और निर्णय अगर आप सोच समझ के लेंगे तो होने वाला जो समय है, जो कार्य व्यापार या नौकरी में कहीं नुकसान होने की संभावना है वो बहुत कम हो सकती है। तो ये तो रही कि शनि की साढ़े साथी का दुष्प्रभाव क्या होगा। अब मैं बताता हूं आपको कि आपको शनि की साढ़े साथी से के जो परेशानियां होने वाली हैं उससे आपको निजात कैसे मिलेगी। देखिए, शनि जो है वो है सेवा के ग्रह और न्याय के ग्रह,
तो अगर आपने कोई गलत कर्म किया है, व्यसन किया है, अहंकार में आप रहे हैं, अपने जब आपका अच्छा समय था आपने किसी की सेवा नहीं करी है, किसी की मदद नहीं करी है, किसी जरूरतमंद की, तो शनि के साढ़े साथी में वो सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। शनिदेव उसको जरूर जो है वो पूरा करते हैं उन चीज़ों को और वहाँ से व्यक्ति को तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप कर्मरत हैं, सेवारत हैं, अहंकार रहित हैं और अगर आपने जो है व्यसन से आप दूर रहे हैं, दुष्चरित्रता नहीं है, बड़े बुजुर्गों की आप सेवा करते हैं, गरीबों की आप मदद करते हैं, तो शनि की साढ़े साथी में ये बुरे प्रभाव ना होकर के बल्कि आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आपको कर्मों को ठीक रखना है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके कर्म ठीक नहीं हैं तो आप क्या करें, अब शनि की साढ़े साथी आ गई है, परेशानियाँ आएंगी। शनि की साढ़े साथी को दूर करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है शनि की आराधना करना, शनि का अनुष्ठान करना और शनि से संबंधित दान देना। तो शनि संबंधी आप दान कर सकते हैं, दान से भी आपको शनि के कष्टों से निवारण मिलेगा। इनका दान आप जो कर सकते हैं वो है लोहे के सामान, सरसों का तेल, तिल का तेल, काली तिल, काली उड़द, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। साथ में शनि देव की आराधना कर सकते हैं। शनि देव की एक मंत्र बहुत प्रभावकारी है, ओम शन शनिश्चराय नमः। शाम के समय भगवान शिव के सामने घर में आप चाहें तो एक दीपक जलाएं, वहां बैठ जाएं और इस मंत्र का जप, ओम शन शनिश्चराय मंत्र का जप आप कम से कम 108 बार नियमित करना शुरू करें, बहुत राहत मिलेगी। यदि शनि के कारण आपकी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो भगवान शिव की आराधना बहुत कारगर है। आप चाहें तो रुद्र गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, इस मंत्र का आप जप करें या रुद्राभिषेक कराएं, बहुत कारगर होगा। कुछ भी ना करें तो भगवान शिव को रोज जल अर्पित करें और उनको प्रणाम करें, धूप दीप करें, बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी बहुत लाभकारी होती है शनि के दुष्प्रभावों को रोकने के कारण। तो आप हनुमान जी के लिए हनुमान का जो हनुमानाष्टक है, हनुमान चालीसा है, इसका पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको शनि की साढ़े साथी के कारण कोर्ट या कचहरी का मामला सता रहा है, कहीं कोई ऐसे मुकदमा है जहां आपको फंसने के चांसेस बन रहे हैं और आप निरपराध हैं, ध्यान रखिएगा आपका निरपराध होना जरूरी है। अगर आप अपराधी हैं तो शनि जरूर आपको दंड देंगे, लेकिन अगर आप निरपराध हैं, गलत फंसे हुए हैं, तो उस केस में आप भगवान हनुमान के बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत लाभकारी है। 40 दिनों तक निरंतर आप इस प्रयोग को करिए, बजरंग बाण का जप करिए, शनि के साढ़े साथी का कैसा भी दुष्प्रभाव हो, किसी भी प्रकार का आपको कोर्ट कचहरी की जो है वो डर सता रहा हो, उसमें बहुत लाभकारी होगा। तो ये सारे उपचार हैं, आप इनको कर सकते हैं और शनि की दशा से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कर्मों के फल कर्मों से ही कटते हैं और शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं, सेवा प्रधान ग्रह हैं। तो कोशिश करिए जीवन में इंसान बने रहिए और सबके साथ इंसानियत का व्यवहार करिए। नमस्कार।